नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कपिल क्वाडपाल। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। और ये सेशन, जैसा आप सभी को टाइटल दिखाई दे रहा है, आज ये सेशन थोड़ा सा हटकर होने वाला है आपके लिए। थोड़ा सा अलग तरीके का सेशन है। काफी स्टूडेंट्स जानना चाहते थे मेरी जर्नी के बारे में कि कैसे मैंने बैंक एग्जाम को क्लियर किया, और उसी डिमांड को लेकर आज मैं ये सेशन लेकर आया हूं। आज का सेशन ऐसा कुछ नहीं रहेगा आपके सामने कि मैं कोई स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा। मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैंने कहां से पढ़ाई की, कैसे पढ़ाई की, मैंने कौन सी बुक्स को फॉलो किया, या आपको क्या फॉलो करना चाहिए, कौन सा मॉक टेस्ट दिया नहीं दिया। ये सब चीजें मैं नहीं बताने वाला। तो अगर एक्सपेक्टेड है आपको कि इस चीज के लिए आप इस सेशन को देखने हैं, तो प्लीज आगे मत जाइएगा। इसकी जगह आप और कोई सेशन ज्वाइन कर लीजिएगा, दैट वुड बी ग्रेट। ये सेशन आपके लिए लेकर आया हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। आखिरकार मेरी मेंटेलिटी क्या रहती थी एक बैंकिंग एस्पिरेंट के तौर पर, और कैसे मैंने एक देखा अपना फेज जब मैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट था, कैसे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, क्या क्या मैंने एग्जाम दिए, कौन सा एग्जाम क्लियर हुआ, और फाइनली मैंने अपने ड्रीम को पा लिया, या जो आप कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए आप जिसके लिए प्रयास कर रहे हैं, आप जिसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। ना ही ये सेशन मैं कहूंगा आपको एक मोटिवेशन देगा। यहां पर मैं कोई मोटिवेशन देने नहीं आया हूं। इट्स जस्ट अ थिंग कि मैं आपको अपनी जर्नी बताने आया हूं। मेरा मकसद है आपको गाइड करना। मैं आपको मोटिवेट नहीं करता, मैं आपको गाइड करता हूं। हमेशा एक टीचर आपको गाइड करता है। मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो आपको अपने आप से आता है। मेरा काम है गाइड करना, मेरा काम है आपको उस रास्ते पर लेकर जाना, और उस रास्ते पर चलना तो आपको अकेले ही है। उस रास्ते में जितने भी खड्डे आए या जितनी भी रुकावटें हैं, उनको तो पार तो आप ही को करना है ना। उस वक्त आपको अपने आप ही हौसला अपने आप को देना पड़ेगा कि यस आई कैन डू इट। सो वो मोटिवेशन आपको अपने आप से मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई रास्ते में आकर आपको कहेगा कि चल आगे बढ़। नहीं, आपको एक रास्ता बता दिया, अब पूरा रास्ता आखिर तक आपको ही पूरा करना है। बात है ये 2010 की, जब मैंने बैंकिंग एग्जाम के प्रिपरेशन को स्टार्ट किया था। कोचिंग ली, ऑफलाइन कोचिंग ली, कंसेप्ट्स क्लियर किए, जो सभी आप लोग करते हो, ठीक है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, कोचिंग कंप्लीट हुई, कुछ एग्जाम्स देने शुरू किए। ऑब्वियस स्टार्टिंग में एग्जाम्स है, नहीं क्लियर हुए, होता है, नहीं हुए। 3-4 महीने की कोचिंग थी, ऑफलाइन कोचिंग थी, सब कुछ ऑल वेल, बढ़िया चल रहा है। कोचिंग में जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और जब एग्जाम्स देने की बारी आई, तो कुछ एग्जाम्स क्लियर नहीं भी हुए। बट फाइनली जब मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस आया कि यस नाउ आई एम प्रिपेयर्ड वेल, और मैं अब एग्जाम्स को क्लियर कर सकता हूं, उस वक्त जब मैंने एग्जाम दिए, फिर भी रिजल्ट नेगेटिव, ये नेगेटिव रिजल्ट से अब थोड़ा सा आपको पीछे फ्लैशबैक में लेके चलता हूं। ये बात है मेरी ग्रेजुएशन के रिजल्ट की, या उससे पहले लेकर चलूं, मेरी बात है ये प्लस टू 12th क्लास कॉमर्स स्टूडेंट। आई वॉज ए डिस्ट्रिक्ट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉप किया सीबीएसई बोर्ड, अखबार में नाम आया, एवरीथिंग वॉज गुड, फेमस। खैर फेमस वो 2-4 दिन की बात होती है, 12th क्लास में तो क्या फेमस, तो क्या फेमस, बट एक ठीक है प्राउड मोमेंट होता है जब आपको कोई कहता है हाँ बेटा तूने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया। कॉमर्स फर्स्ट ईयर बहुत बढ़िया, सेकेंड ईयर बहुत बढ़िया। The day when the third year result declared, I was not shocked by seeing my result because that was expected. First year, second year, meritorious student.
all well, everything is well, marks were good, great work. But the third year overall percentage in the graduation which I have got was 59%. Yes, Kapil Kartpal, your sir is having graduation marks only 59%. That was not shocking for me. That was expected due to some ABC XY reasons, some personal things or whatever that was. First, second year, bahut badhiya, shandar, toppers. But third year, down, and I was gone with 59%. At that time, क्या होता था? सभी के सभी banks अपने exams अलग-अलग conduct किया करते थे. Okay, so अलग-अलग conduct किया करते थे सभी के सभी exam. अब please यहाँ पर कयास मत लगाइएगा मेरे कम marks क्यों थे या क्यों नहीं थे. Please मुझे judge मत कीजिएगा यहाँ पर. Some family issue, anything could be there. Okay. At that time, सभी के सभी बैंक अपने अपने अलग अलग एग्जाम्स लेते थे. ओके, क्लरिकल लेवल, पीओ लेवल, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, सभी के सभी. बट जब मैंने इस बैंकिंग एग्जाम में आने का सोचा, एट दैट टाइम आई डिडंट नो कि एवरी बैंक डिमांड्स मिनिमम 60%. आई एम टॉकिंग अबाउट द 2010-2011. एट दैट टाइम एवरी बैंक फॉर द पीओ पोस्ट used to ask 60% minimum qualification you need. And along with the graduation, I had also done my CFA. Okay. I had done then after I had done CFA, Chartered Financial Analyst. Okay. So, but due to some family issues, I was not able to go out. So, मतलब मैं बाहर job नहीं कर पाया, private sector को नहीं join कर पाया. That was separate issue. बहुत सारे फैमिलीज इश्यू होते हैं, आपके साथ भी होते हैं, मेरे साथ भी हुए थे. ठीक है. सो कई लोगों को पता होगा कि CFA, व्हाट इज द वर्थ ऑफ द CFA, बट आई हैव जस्ट डन द CFA, बट मैं उसको अच्छे मतलब कि उस लेवल तक नहीं लेकर जा पाया डिग्री को जिस लेवल तक लेकर जा सकता था अगर मैं प्राइवेट सेक्टर को ज्वाइन करता. बट ऑन द अदर हैंड, मैं एक CFA होकर, एक ग्रेजुएट होकर, एक पोस्ट ग्रेजुएट होकर भी एक प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्जाम नहीं दे सकता था. बिकॉज किस लिए? उन्होंने मांगे थे सभी से बैंक से, जिनका भी मोटिवेशन आता था, उन्होंने मांगे थे 60%. आई वॉज हैविंग 59%. मजबूरी में मुझे क्लरिकल एग्जाम देने पड़ते थे, सिर्फ क्लरिकल एग्जाम. चलती गई जर्नी, एग्जाम क्लियर नहीं हुए. फिर जब एग्जाम क्लियर होने लगे, आई क्रैक्ड इंडियन बैंक क्लरिकल राजस्थान इन फोर सीट्स वर देयर इन होल राजस्थान. आई क्लियर दैट एग्जाम. कॉर्पोरेशन बैंक 13 सीट्स ऑल ओवर इंडिया, क्लरिकल आई क्लियर दैट एग्जाम. इवन एट दैट टाइम फॉर द क्लरिकल इंटरव्यूज भी होते थे. So many exams, 10-11 exams continuously I have cleared, their interview, but not a single PO exam I was able to give, not a single exam, just because I was not having the damn 60% marks. But कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं. There comes an opportunity for me. That was the State Bank of India Professional Officer Exam, SBI PO. The first time State Bank of India Professional Officer Notification has not asked for the 60% criteria. And that was like a machli ki aankh for me. Ki haan beta, ab ye tere liye bana hai. जो तेरे अंदर जोश था ना, जो तेरे अंदर जुनून था ना, जो तू नहीं पूरा कर पाया था अपना सपना, वो दिन आज तेरे लिए नोटिफिकेशन आया है जिसमें 60% नहीं मांगे हैं और तुझे इसको हर हालत में क्लियर करना है.
Now what to do? I have taken the coaching. I have cleared the basic concept. I am giving the bank exams. I have cleared the bank exams. But no, not even had बैठा नहीं था पीओ एग्जाम के लिए भी, बट आई हैव गिवन द मॉक टेस्ट ईच एंड एवरीथिंग, आई हैव प्रिपेयर्ड पीओ लेवल, तो क्लेरिकल तो होना ही है ना क्लियर, बट एग्जाम में नहीं बैठा था. सो देन आई डिसाइडेड कि जो भी हो जाए मुझे इसमें पूरा जोर लगाना है. आई थॉट ऑफ टेकिंग द कोचिंग अगेन. देयर वाज अ क्रैश कोर्स ऑफ 20 डेज फॉर द एसबीए पीओ एंड दैट कोचिंग सेंटर वाज नियर अबाउट यहां से 2.5 hour की जर्नी मेरे सिटी से, 2.5 hour की जर्नी मेरी सिटी से उस कोचिंग सेंटर की. 20 डेज का क्रैश कोर्स बाय रेनाउंड टीचर, बहुत ही फेमस टीचर हमारे एरिया के. मैं सोचता था कि चलो यार उनके पास जाते हैं, 20 डेज का क्रैश कोर्स करते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखने को तो मिलेगा. 2.5 hour जर्नी एंड आफ्टर 1 month मेरा एग्जाम भी था SBAP. सो आई हैव टू डू द सेल्फ स्टडी, आई हैव टू टेक द कोचिंग. क्रैश कोर्स था, बेसिक कंसेप्ट क्लियर थे, एडवांस लेवल भी क्लियर था, बट एक जस्ट मन में था कि हाँ यार मुझे करना है, कि कहीं मेरे अंदर कमी नहीं रहनी चाहिए. मेरा शेड्यूल क्या रहता था, शाम को उनकी क्लास 6 बजे होती थी, 6:30 बजे होती थी, 4 बजे घर से निकलता था, 6:15 वहां पहुंचता था, 6:30 कोचिंग ज्वाइन करता था. उनकी क्लास रात के 10 बजे तक चलती थी, बट रात को 10 बजे से पहले ही मुझे क्लास छोड़नी पड़ती 9:30, क्योंकि वहां से जो लास्ट बस है वो 9:45 निकलती थी. रात को बस मुझे घर पे 12 बजे छोड़ती थी, रात को 12 बजे आकर खाना खाता था. और एक और चीज इसमें हुई कि एट दैट टाइम डिस्क्रिप्टिव एग्जाम वॉज ऑल्सो देयर. ओके, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम भी होता था उस टाइम. अब तो खैर आप कंप्यूटर पे टाइप करते हो, ऑल वेल, बट भगवान की दया से राइटिंग बहुत अच्छी नहीं थी, ठीक है, बहुत बेकार राइटिंग थी. सो राइटिंग को भी सुधारना था, क्योंकि लिखना था तो लिखने के बेस पर भी मार्क्स मिलने थे कि कैसी आपकी राइटिंग है. सो आई डिसाइडेड टू ज्वाइन दी दैट क्लास. होती है ना बच्चों को राइटिंग सिखाते हैं ABC सही तरीके से, कैलीग्राफी क्लास शायद उसको बोलते हैं ना. सो मैं उस क्लास को भी ज्वाइन किया, जस्ट 10 दिन की क्लास थी अलोंग विद दैट क्लास, राइटिंग सुधारने की क्लास. सोच सकते हैं SBA PO हम बनने जा रहे हैं, राइटिंग सुधार रहा हूं मैं. छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठता था मैं और राइटिंग सुधारने की क्लास लेता था मैं, ठीक है. सुबह वो क्लास होती थी 7 बजे, रात को 12 बजे मैं पहुंचा बाहर से ट्रेवल करके, खाना खाया, सोया, सुबह उठा, 7 बजे मेरी क्लास, वहां गया लोकल क्लास, 8:30-9 बजे तक घर पर आया, प्रैक्टिस की इंग्लिश की, लिखने की प्रैक्टिस की, सेल्फ स्टडी की, फिर शाम को 4 बजे गया. दैट वाज माय रूटीन जस्ट बिफोर 30 डेज जस्ट एग्जाम से पहले. बट द डे एग्जाम आया आई वाज वेल प्रिपेयर्ड, मेरी राइटिंग ठीक हो चुकी थी, बट थोड़ी स्लो थी, बट हाँ ठीक हो चुकी थी, फार बेटर थी देन बिफोर. रिजल्ट आया मेंस एग्जाम जो आपका रिटन एग्जाम का, आई वाज सिलेक्टेड, एक्सपेक्टेड था मुझे, मेहनत बहुत थी, आई वाज सिलेक्टेड इन दैट. नाउ द टर्न ऑफ द इंटरव्यू, इंटरव्यू राउंड हुआ, आई वाज कॉन्फिडेंट, इंटरव्यू अच्छा गया, GD अच्छा गया, एवरीथिंग वाज रियली रियली वेल. द रिजल्ट, व्हेन द डे द रिजल्ट वाज अनाउंस्ड, ना कुछ यहां तो फिर भी आपका आइडिया लग जाता है यार, ऑनलाइन आपके इतने सोर्सेज हैं कि सर रिजल्ट आ रहा है आज, आ रहा है कल, हमें कुछ भी नहीं पता होता यार. कोई हमारे लिए ब्लॉग नहीं होता था, कोई हमारे लिए व्हाट्सएप ग्रुप नहीं होता था, कोई टेलीग्राम नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था. मैं अपने दोस्त के घर बैठा था उस वक्त और एक दोस्त का कॉल आया कि कपिल SBA PO का रिजल्ट आ गया. मैंने कहा यार मुझे नहीं पता रिजल्ट आ गया, तो देख 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 उसकी वेबसाइट खोली, पर रोल नंबर मेरे पास देखा तो या My roll number was in the list. क्या होता है उस टाइम रिजल्ट जब आता है, जो भी इमोशंस थे जैसे भी थे, ठीक है, और इतनी हड़बड़ाहट थी कि मैंने अपने मोबाइल पे SMS ही नहीं देखा जो ऑलरेडी पिछले 15 मिनट पहले आ चुका था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कि यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड एंड योर मेडिकल विल बी डन वेरी सून, समथिंग लाइक दिस. ओके, आई केम बैक होम, रास्ते में गुरुद्वारा आया, माथा टेका, ठीक है, ब्लेसिंग्स,
ये एक जुनून था मेरे अंदर कि एक ही एग्जाम था मेरे पास और वो मुझे क्लियर करना था, वो मुझे क्लियर करना था। मैं काफी नर्वस हो रहा हूं आपको ये बात बताते हुए, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है, मुझसे सामने कैमरे की ओर देखा भी नहीं जा रहा। ओके, सो एक एग्जाम था, उसको मैंने क्लियर किया। मेरे लिए एक एग्जाम था यार, आपके लिए कितने एग्जाम आते हैं? आप लोग सोचते हो ये भी है, वो भी है, ये भी आएगा, वो भी आएगा, मेरे लिए तो एक ही था ना, और वही मैंने किया। घर वाले ताने मारते थे कि क्या यार 60% नहीं ला सकता, 60% नहीं है तेरे, तेरा क्या तू करेगा, क्लरिकल एग्जाम दे रहा था, लेवल था क्या है, एक सीएफए पर्सन, प्राइवेट जॉब नहीं कर सकता था ड्यू टू फैमिली सिचुएशंस, बट स्टिल कि नहीं, जो किस्मत है, जब लिखा वही सही। अब अगर अभी अभी आप में से काफी बच्चे बोलते हैं मुझे, जब भी क्लास अटेंड करते हैं, सो आपने आरबी ग्रेड भी क्यों नहीं दिया, अब पता लगा क्यों नहीं दिया, आरबी ग्रेड बी का क्राइटेरिया ही है 60% होने चाहिए 10th क्लास से लेकर लास्ट तक। एक बार दिया था शायद, अपॉर्चुनिटी बीच में आई थी, दैट टाइम मेरी जॉब लगी हुई थी, तो ठीक है जॉब लगी थी, सेटिस्फेक्शन था, तो इतना ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। जाते थे एग्जाम देने, हर एक मंथ एग्जाम होता था। मास में से काफी लोग सोचेंगे कि सर उस टाइम कंपटीशन इतना कम नहीं होता था, कंपटीशन इतना कम होता था, ज्यादा नहीं होता था, आज भी कंपटीशन बहुत बढ़ गया। नहीं बच्चे, आज भी तुम आरबी असिस्टेंट का एग्जाम देके रहो, जब तक तुमने 100 में से 100 नहीं किए ना, तुम्हारा आरबी असिस्टेंट का एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता। मेरे साथ भी ऐसे था, हमारे टाइम पे अगर आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करके आते थे ना, अगर एक भी क्वेश्चन छोड़ गया तो घर पे आ गए ये उम्मीद मत रखो कि आपका एग्जाम क्लियर हो गया। आज के दिन आप 50 भी क्वेश्चन करके आते हो तो आप कहते हो कि हो सकता है मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए। नो डाउट क्वेश्चंस का लेवल हाई है इसलिए क्वेश्चंस कम होते हैं, नो डाउट उस टाइम क्वेश्चंस का लेवल कम था इसलिए सारे क्वेश्चन करने पड़ते थे, बट अगर मैं सारे के सारे स्टेटिस्टिक्स लगाऊं तो कुछ भी हम ये नहीं कह सकते थे उस टाइम सर कंपटीशन कम था, इस टाइम कंपटीशन ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं था। अगर मैंने 4 सीट्स में क्लियर किया, 13 सीट्स में क्लियर किया, तो काय का कंपटीशन, एक ही बात है। आज 4 सीट्स नहीं होती, कौन सा बैंक आजकल 4 सीट्स निकालता है, राजस्थान स्टेट द लार्जेस्ट स्टेट। जाते थे एवरी, अब थोड़ा सा आपसे कनेक्ट करूंगा, ये तो छोटी सी बात बताई मैंने, अभी आगे भी बात करूंगा, बने रहिएगा मेरे साथ, ठीक है। उम्मीद करता हूं अच्छा लग रहा होगा सेशन, बोरिंग नहीं लग रहा होगा, है ना। आगे आप मुझे प्लस क्लास में हंसते हुए मुस्कुराते हुए देखते हो, यूट्यूब पे तो मैं बहुत सीरियस रहता हूँ सुबह हिंदू एनालिसिस में, है ना, बट प्लस में हम काफी हंसते मुस्कुराते रहते हैं, है ना। कभी आना प्लस क्लास में, फिर पता लगेगा। कई लोग कहते हैं सर बहुत खड़ूस है ना, क्योंकि सुबह वाली क्लास वो होती है ना सीरियस नोट पे होती है, और रात वाली क्लास थोड़ी हंसी में जाती है क्योंकि रात को नींद आती है, तो फिर इसलिए कई बच्चे क्लास में सर रात तो नींद में पढ़ा रहे हो, मैं तो साफ से बोलता हाँ यार रात को 12 बजे तक पढ़ाऊंगा तो नींद में ही पढ़ाऊंगा ना, मजबूरी है, नौकरी भी करनी है, जॉब भी करनी है 10 से 6, और यहाँ पर पढ़ाना भी है, वो भी करता हूँ, सुबह उठता हूँ, जॉब पे जाता हूँ, फिर शाम को आगे फिर क्लास लेता हूँ, रात तक 12 बजे तक क्लास लेता रहता हूँ। तो हाँ, मैं बता रहा था आपको, जब एग्जाम देने हम जाते थे, एक एक महीने में 3-3 एग्जाम, 4-4 एग्जाम, हर एक संडे को एक एग्जाम होता था, तो जाते थे हम एग्जाम देने। अब ऐसा तो नहीं है कोई लग्जरियस गाड़ी में जाते थे, हम बस में जाते थे भाई, स्लीपर कोच में जा रहे हैं, एसी में जा रहे हैं, वही भाई नॉर्मल 2 सीटर 2x2 जो बोलते हैं ना, 2x2 वाली गाड़ी, नॉन एसी, खिड़की खोल के रात को 9 घंटे का सफर तय करके जयपुर तक जाता था, ठीक है, 500 किलोमीटर दूर का सफर, और सुबह एग्जाम देता था। और उस टाइम वही होता ना कि हाँ यार माता पिता के पैसे ज्यादा क्यों लगाए, मतलब इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि हाँ एक दिन पहले जाओ और होटल रुक जाओ और अगले दिन एग्जाम, आराम से रात को सोकर अगले दिन एग्जाम दो और फिर आ जाओ, ऐसा भी नहीं। सैटरडे नाइट को जाना, संडे को एग्जाम होना, संडे को ऐसा भी नहीं, अब कहाँ रुके, वही भाई डॉर्मेट्री ले लो कोई 25 रुपए 30 रुपए वाली, ठीक है, और
वो 25-30 वाली डॉर्मेट्री ले ली और फिर वहां पर ही नहा धोकर तैयार होकर सामने वो रेडी पर परौंठे से खा लिए, जो 10-20 रुपए में परौंठे देते हैं, 5 रुपए की चाय पी ली, हो गया अपना नाश्ता, है ना। कहाँ को होटल में जाकर कोई हम छोले भटूरे और कहाँ हम डोसा वगैरह खाते थे, नहीं खाते थे। तो जितना पेट भरा फिर लोकल बस पकड़ी, काय की कैब यार, कौन लगाए 200 रुपए, कौन लगाए 150 रुपए। ऑटो वाला भी बोलता था सर 80 रुपए लगेंगे, नहीं यार तो 50 ले ले, 60 ले ले, जेब में है नहीं पैसे। फिर लोकल बस आवाज मारती थी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए। तब लालच होता है 50 क्यों लगाए, 5 रुपए में चल रही है सर, 45 रुपए तो बच रहे हैं मम्मी पापा के, है ना। तो उसमें जाते थे, चाहे जितनी मर्जी भीड़ हो, घुस कर खड़े होकर लटक कर जाते थे, है ना, ताकि 45 रुपए बच जाए। फिर पहुंचे एग्जाम सेंटर, खड़े हुए बाहर, अंदर गए, एग्जाम दिया, आए, फिर वही भीड़, फिर वही बसों में धक्के खाकर पहुंचे। धक्के तो क्या अब बोलते हैं हम, धक्के खाते हैं, उस टाइम धक्के खाना नहीं बोलते थे, उस टाइम तो बोलते थे हाँ यही जिंदगी है, अब बोलते हैं ना धक्के खा रहे हो, तब धक्के नहीं बोलते थे, तब तो मजबूरी थी ना। वापिस आ जाते थे, ओके, सो पहुंचते थे वहां से ऊंची ऊंची इमारतों के होटल देखते थे कि हाँ ये होटल देख यार कितना बढ़िया। मेरी बस जहां से गुजरती थी ना, जहां मैं रुकता था उसके नजदीक होटल हुआ करते रेडिसन ब्लू, ठीक है, पोलो विक्ट्री जो जयपुर वाले हैं वहां पीछे करके रेडिसन ब्लू था ना, है ना। सुबह सुबह बस जब निकलती थी मेरी वहां से, जब पहुंचती थी तो वहीं उसका स्टॉप होता था, सामने रेडिसन ब्लू दिखा जाता, तो सोचते यार रेडिसन ब्लू यार इतना शानदार होटल है ना। और हम नीचे एक नजदीक आगे जाकर कहीं गली में डॉर्मेट्री होकर थे, वहां रुकते थे, ओके। ये एग्जाम लेते थे इस तरह से, सपना पूरा किया, क्रैक किया, इस काबिल बने कि इतने काबिल आज बन गए कि हाँ उस टाइम हम 2x2 की नॉन एसी बस में खिड़की खोलकर बैठकर अगले दिन एग्जाम देने पहुंचते थे, और आज हम इतने काबिल हैं कि हाँ मम्मी पापा कहते हैं बेटा इस जगह पे जाना है तो हम उनके लिए सेकंड एसी की टिकट बुक करवा सकते हैं। पापा कहते हैं, मम्मी कहते हैं नहीं यार, हम क्या थर्ड एसी में चले जाते, नॉर्मल डिब्बे में चले जाते, नहीं यार फिर क्या होगा, सेकंड एसी में जाओ ना, मैं काबिल हूं इतना, ओके। सो इतने काबिल बनो, इतना काबिल बनो कि हाँ। और हाँ एक और चीज, वही रेडिसन व्यू जो दूर से देखा करते थे उसमें ही उसी होटल में मैं फिर बाद में नौकरी लगने के बाद हम रुका हूं, ठीक है। आई हैड डन स्टे नॉट इन रेडिसन व्यू, बहुत सारे होटल्स में जिनको दूर से देखते थे, जिनको बाहर से हमें डर लगता था कि बाहर अगर खड़े भी हो जाए ना वहां जाकर तो वहां वाला जो गार्ड है ना वो पूछेगा क्यों भाई क्यों खड़े हो। आज उसी रास्ते से उबर से ओला से हम अंदर जाते हैं और वही गार्ड आज हमें सल्यूट करता है और वही गार्ड हमारे लिए गेट खोलता है। इतने काबिल बन गए। सो बनो काबिल। मछली की आंख, मैंने बताया ना मछली की आंख होनी चाहिए, निशाना होना चाहिए मछली की आंख का। सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो पॉसिबल नहीं है। अगर आपने ठान लिया तो सब कुछ आपके कदमों में है। दुनिया जीत सकते हो आप, क्यों नहीं जीत सकते। और जिस कोचिंग सेंटर में पढ़ा करता था उसी कोचिंग सेंटर में 2 साल बाद मैं एज ए गेस्ट फैकल्टी गया। और जहां जिस जो पहली क्लास थी ना, मैंने पहली क्लास में बता दिया जो पर्सन मेरी सीट पर बैठा था, जहां मैं बैठा करता था उस सीट पर जो पर्सन बैठा था ना उसको मैंने बता दिया बेटा यहां 3 साल पहले मैं बैठा करता था, ठीक है। वो खुश हो गया, अरे यार सर की सीट पर बैठा मैं, अब तो मैं भी पास हो जाऊंगा। नहीं, सीट से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, बस वही फर्क है कि सीट के उस तरफ सीट के इस तरफ।
तो थोड़ा सा शॉर्ट में बताई हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आज आपके साथ शेयर करी, और भी बहुत सारी बातें थी जो शेयर नहीं करी, बहुत सारी ऐसी पर्सनल चीजें होती है जो शेयर नहीं करी। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर आप कौन से बैंक में हो, यही पूछते ना कि सर आप कौन से बैंक में हो, आप बैंक बता दो, बैंक बता दो। मैं कभी नहीं बताता, मैं इतना कहता हूँ हैड क्लियर द SBI PO एग्जाम, हैड क्लियर द IBPS PO, IBPS PO फर्स्ट जो हुआ था उसमें भी मैंने क्लियर हुआ था। बट फाइनली एक चीज और है जो आपको नहीं पता, काफी लोगों को पता होगा, काफी लोगों को नहीं पता। आई एम ऑल्सो रिजाइनिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया PO से, आई हैड रिजाइंड आफ्टर 6 months ऑफ माई जॉब। और उसके बाद दूसरे बैंक की तरफ गए, पर्सनल इश्यूज, मेडिकल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज वर देयर विद मी, आई हैड टू रिजाइन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दैट वॉज अ रियली डिसहार्टनिंग मोमेंट कि जब रेजिग्नेशन लेटर पे साइन करने लगा था तब नहीं हो रहे थे साइन, कांप रहा था हाथ। हाउ कुड आई डू दिस, हाउ कुड आई लेट इट गो, जो मछली की आंख जो मैंने सोची थी उसको कैसे छोड़ सकता। बट प्रायोरिटीज आर डिफरेंट, समथिंग एल्स इज रिटन, कुछ और किस्मत में लिखा होगा। उसके बाद की जर्नी चलो फिर कभी शेयर करूंगा आपके साथ। ओके, सो उम्मीद करता हूँ आज की जो जर्नी थी आपको मेरी अच्छी लगी होगी, आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन आज का पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और जर्नी जो थी, उम्मीद करता हूँ किस दिन फिर मौका मिला तो बैंकिंग का जो एक्सपीरियंस रहा है मेरा इतने सालों का, 2011 से 2019 तक का, 20 तक का, वो जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, ओके, सो चला जाए फिर।